लगातार खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के दुल्लापुर में आज सिद्ध विनायक ब्रेकर्स एंड सीट हाउस का शुभारंभ माननीय सदर विधायक जयकिशन साहू जी द्वारा किया गया। वहीं पे फीता काटकर उन्होंने आज इस ब्रेकर्स का उद्घाटन किया है। उनके साथ में आप देख सकते हैं क्षेत्र के सम्मानित जन भी यहां उपस्थित रहे। सभी लोगों के साथ सहयोग से आज इस ब्रेकर्स का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्र के सम्मानित जनों ने कहा कि पहले जो हम लोग सुनते थे क्षेत्र में वस्तुओं की क्वालिटी शुद्ध क्वालिटी होती है, या फिर जो यहाँ पे कीमती टॉफी या फिर ब्रेकर्स में जो वस्तु मिलनी चाहिए उसका हम लोग जो नाम सुनते थे, आज वह दुल्लापुर में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ किसी भी ब्रांड की टॉफी हो या फिर चॉकलेट हो, बिस्किट हो, ब्रेड हो, या फिर जो भी खाने की सामान है, सब आपको शुद्ध मिलेगी। यहाँ पर माननीय सदर विधायक जयकिशन साहू और क्षेत्र के सम्मानित जनों ने इसका उद्घाटन किया। सभी लोग क्षेत्र के सम्मानित जनों के साथ बैठकर यहाँ उचित परामर्श भी लोगों को दिए, सुझाव भी दिए किस तरह से इसको क्या करना है, कैसे चलेगा। क्षेत्र के लोगों का सम्मान यहाँ पे भरपूर यहाँ ब्रेकर्स के प्रोपराइटर द्वारा किया गया, जहाँ सुनील मद्देसिया जी और सपरिवार के साथ सभी लोगों ने अपने अतिथियों का, जो यहाँ पे मुख्य रूप से ग्राहक देवता की जिसे बात करते हैं, आज दिन भर इस उद्घाटन में आए सभी लोगों को जलपान कराया गया, उनका सम्मान किया गया। साथ ही लोगों ने खरीदारी भी की। खरीदारी करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुएं आपको देखने के लिए मिलेगी जो आप बड़े बड़े मार्केटों में सुनते थे, देखते थे, आज इस मार्केट में आपको अब उपलब्ध मिल रही है। यहाँ पे कुछ टॉफी या फिर कुछ बिस्किट हम आपको आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप कभी सुनते थे शहरों में कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ है या फिर इसको आपको खाना चाहिए, चाहे व्रत हो या फिर अन्य जो आप उपकरण सुनते थे कि इसमें ब्रेकर्स के साथ ही बड़े बड़े शोरूम में आपको उपलब्ध मिलती थी वस्तुएं, बिस्किट या टॉफी या फिर इस तरह की तमाम चीज़ें। आपको मैं बात करूं, गिराने का प्रयास करूं तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहां हमने भी जब देखा तो यहां कुछ ऐसी टॉफी मिली जहां देहाती क्षेत्र में लोग कहते हैं कि हम 40 रुपये या 60 रुपये में भोजन कर लेते हैं, यहाँ 100 से 150 रुपये तक की टॉफी उपलब्ध है। और उसकी क्वालिटी, उसकी बनावट, उसकी जो शुद्धता होनी चाहिए वो भरपूर आपको यहाँ मिलेगी। आप देख सकते हैं क्या कुछ ब्रेकर्स में कितनी अच्छी सजावट है, कितनी वस्तुएं हैं। आपको यदि समय मिले तो एक बार जरूर दुल्लापुर के इस सिद्ध विनायक ब्रेकर्स एंड स्वीट हाउस पे जाएं और देखें यहाँ कितनी सुंदर वस्तुएं, जो आपको शहरों में बार बार मुझे कहने का ये विचार आ रहा है कि जो आप शहरों में सुनते थे कि यहाँ ब्रेकर्स या फिर इस तरह के शोरूम या फिर दुकान खुलती तो वहाँ हमें उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सकती थी, यहाँ कई तो ऐसे वस्तु हैं जो आपको इधर किसी भी क्षेत्र के दुकानों पे नहीं मिल पाएगा। यहाँ देख सकते हैं केक, चॉकलेटी हो, सस्ते दाम का तो यहाँ कोई ये नहीं है, लेकिन कम दाम में यहाँ जो भी चीज़ रखी गई है बेस्ट क्वालिटी रखी गई है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसका नाम आप सुनेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल पर, जो ऑनलाइन आप मंगाने का प्रयास करते हैं, स्क्रीन के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह डेयरी मिल्क की एक टॉफी है जिसका दाम 85 रुपये है, और एक और टॉफी है जिसका कीमत लगभग 100 रुपये है। कुछ ऐसी टॉफीज आपको मिलेंगी जो आप सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर। आप स्क्रीन के माध्यम से देखिए और क्या कुछ ब्रेकर्स के यहाँ के उद्घाटनकर्ता या फिर जो इसके संचालक हैं उनके द्वारा कुछ क्या किया गया, क्या बताया गया, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या शुद्धता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ आप व्रत के दौरान भी नमकीन खा सकते हैं। इसकी क्वालिटी है जो इसमें है उसकी पूरी शुद्धता, पूरी जानकारी आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेगी वो शुद्ध मिलेगी। मेरा नाम प्रदीप मदेशिया है, सिद्धि विनायक ब्रेकर्स दुल्लापुर। आपके यहाँ जो ब्रांड है या फिर जो बर्थडे के सामान हो गई या फिर गिफ्ट पैक है, ये लगभग आइटम जो भी है वो ब्रांड अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, इस तरह की कहाँ से आपने सोच किया, जो शहरों में लोग मुंबई दिल्ली तमाम जगहों पे जो सुनने को मिलता था आज आपके मार्केट में उपलब्ध है, आज उसका शुभारम्भ भी किया गया है, कैसे क्या कुछ और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? एक्चुअली हम लोग जब शहर में जाते हैं तो ये सब चीजें ब्रांड देखते, आकर्षण का केंद्र बनता है कि हमारे पास भी हो, हमारे क्षेत्र में भी हो,
इस सोच के साथ हमने सोचा कि अपने क्षेत्र में हर चीज ब्रांड रखें, और केक है चाहे पेस्ट्री है चाहे नमकीन हो या बिस्किट हो, जो भी चीज खाद्य पदार्थ है, सबके सब हमने ब्रांड रखने के प्रयास किए। एक भी चीज लोकल नहीं हमारे यहाँ, और लोकल क्षेत्र की बात, लोकल में टाफियां हैं 2-4 रुपए बिकती है, उसी हट के हमने महंगी महंगी टाफियां डेयरी मिल्क की है, और जैसे में कैडबरी की टाफी है, ये सब तमाम टाफियां महंगी महंगी हमने रखी है। और इस क्षेत्र के देखा है तो लोकल क्षेत्र है, फिर भी इसकी अपेक्षा हमने शहर को, यहाँ ज्यादा जो शहरों में चीज बिकती है उस हिसाब से हमने यह चीज रखने का प्रयास किया। मतलब जो लोग सुनते हैं बड़े बड़े मार्केटों में कि ये चीज उपलब्ध है वो आपके यहाँ मिल सकता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग नई नई चीज भी लाने का भी प्रयास कर रहे हैं जो दूसरे तल्ले पे फ्यूचर में खुलेगा। अभी फिलहाल जो हमारे पास व्यवस्था है, जो भी चीज है नंबर एक की चीज है, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो लोकल, सब कंपनी ब्रांडेड है। नेट पर सर्च कर लें, गूगल पर सर्च कर लें, कहीं चेक कर लें, कहीं कोई स्थिति में नहीं पाएंगे। माँ जगदम्बा माँ जगत जननी के इस पावन पवित्र पर्व नवरात्रि में आपने इस दुकान का शुभारंभ किया है, आप नवरात्रि के इस पर्व पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे, जो भी चीज खाएं अच्छी खाएं, शुद्ध खाएं, 2 रुपया महंगा ही रहे, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अच्छी चीज खाने से आप शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए मैं यही कामना करूंगा कि माता रानी की जो भी खाए अच्छी चीज खाए, बहुत अच्छी चीज खाए, सस्ते के चक्कर में खराब चीज खाकर मत तबियत अपना हेल्थ में खराब करें। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।